कल बैठे ना साहब, स्टेज पे नहीं दिखे। बड़े बेटे हैं, बेटे हैं बच्चों को ड्रेस हमारे बच्चों का तो हरामी बनकर तुमको रखो आते अभी क्या बोला जाए क्या बोला मैं अभी नहीं हमारे बच्चे का जरूरत नहीं है पढ़ कुछ करा नहीं चाचा खुश रहते चलो और हजरत को बहुत याद करते दादा हजरत को और ये एक ही है भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये जो देखते बहुत खुश हो जाते चलते ही बोल रहे चलते ही बोल रहे फिर जिंदगी किसकी बात लिखी क्या कम से कम बर्तन के फर्क होते खाने के तो खाना लंगर आप इधर आओ बाबा वो छोटा ये है मोहब्बत कमाना है तो हुकुम के ताबे हो जाना तो क्या बोलना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं आने वालों को पूछो नहीं आने वाला कौन नहीं बोलता बिल्कुल बेशक होता मुझे तो हजारों है जो मोहब्बत के आने वाले कुछ करता है बेशक हमारा निर्णय चावा था 5-10 मिनट ठहरो नाना हजार
यहाँ हमारा हैदराबाद में बैठे तो वहाँ पर जो है आप 9 बजे फते होते थे जी, 9 बजे फते होते थे तो आप जो है पूरे खलीफे मिलकर हजरत फतेह निकालना क्या और 9 बजे निकालना क्या खैरो 9:30 को हमारी बस वहाँ हजरत के लिए उतरते गए हम लोग उतरते गए साथी तैयारी करो रे चलो हमारे को बोलना क्या खाते हैं लोग आपके वहाँ से कितना इंतजार करें जी आप पूछा करें हैदराबाद से बस उतरे तक का हमारा इंतजार था हुक्म के खिलाफ नहीं चले हम हुक्म दिए आया आदमी शाम के पास आपको हजरत याद कर रहे हैं कारोबार छोड़ देना सीधा जो है कैसा शाम होगी कैसा करना हम जो है बहुत ही बड़ा बड़की खूब 11 बजे गुलबर्ग स्थल पकड़ के दोनों वहाँ जाके 6 बजे हुमनाबाद में खटमला मच्छरा में बैठ जाते थे डिपो छना था तो बैठना सुबह 6:30 को बस छोड़ को पा रहे थे निकल के जाना तो आप जो है कई बार नहीं हाँ फिर नहीं आना था रात में मच्छरों में कई बार निकलता काम और कभी फुर्सत है ताको जाओ हम लोग 100 खलीफ़नामी है दो की निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह उनका ठहरे हैं भाई के हमारे लोग खाली गुलामी वजी से अधर लटकना वो पढ़ना करना जिक्र ये सब सब ढंग है बेशक मगर जो है क्या है मालूम है हमारे कई लोगों को सितारा खादरिया में कहें जो है ये नहीं है क्या नहीं है हवाली नहीं है जी हजारों आदमी हिंदुस्तान में मशहूर है खाने का बिल्कुल बेशक पहले खाना खाओ बाद में परेशानी बोलो बेशक ये आलम खान की जिंदगी में 30 साल था भाई जो एक दो मरीज होने के बाद हुआ मेरा घर हजरत का घर इसी जगह है चुनबू तो जो है उनके हर कमरे में वाकिफ में मरीज होने के बाद में जो है लाना कारोबार छोड़ देना 5-6 बजे फिर उन लाखों कमरे में नमाजी क्या समझाना मरीज क्या समझाना ये जो है हम ताजिम चिकनी में जिंदगी गुजार दिया बोल रहे थे चिकनी वाले को बोलेंगे नहीं चिकनी वाले क्या बोलते भाई सीखता है शौक है तो उसको बोल दी उससे शौक ही नहीं सीखने का क्या बोल फायदा होता खाली कुछ न को अमल करो खाली एक अमल पे कायम रहो पीर का हुक्म के ताबे हो जाओ को पढ़ना पढ़ाने का जिम्मेदारी अल्लाह वालों के देखे हमें सरदार बेग साहब नाम पढ़ी गए आप मुर्शीद के पास गए हमेशा साथ भी जाते थे एकदम आप क्या काम कर रहे थे क्या काम कर दिए उन्होंने खवाली चल रही है वजूद ने मुर्शीद अमामा निकाल को सिर पर रख दिए नवाब साहब जमीन आसमान की वजी बन गया यहाँ क्या है बेशक तो समझ को चलने का नाम ही हुकूमत है ये बिल्कुल बेशक जो है कई मिनट शरा वजीरा बादशाह लोग चले जाते हैं निजामुद्दीन औलिया 7 बादशाह देखे बिल्कुल बेशक समझे नहीं लंगर खाने हर अल्लाह वालों को लंगर का शौक हो खाना खिलाने का राजी करने यानी आपके बच्चे को मैं गोदी रहता हूँ पिता खुश होता बेशक अल्लाह के बंदों को अगर हम राजी करें पिता खुश होता बिल्कुल बेशक बहुत खुश करता नहीं करता रहबरी होनी बेशक बाहर भी करता अंदर जाने के बाद भी हमारी रहबरी होनी करता बेशक खलीफे का रहबर कौन होती अल्लाह खलीफे का रहबर अल्लाह किसी के औलाद नहीं बीवी नहीं बच्चे नहीं कुछ नहीं अगर अल्लाह दौलत दिया जायदाद दिया तो औलाद जो है जायदाद के हकदार बेशक मुरीदा दुआ के हकदार बेशक हमारे मुरीदा ही नहीं बोलते तुम्हारे पास इतनी जमीन है मेरे सऊदी देव नहीं बोलते हो ना जी जी उन्होंने आजाद दुआ करो हमारे वास्ते बेशक बेशक आपकी दुआ अल्लाह अल्लाह बोलते हैं अल्लाह फरमा रहा है जिसने अल्लाह अल्लाह कह के जिक्र करता हाथ बंद हो पैर बंद हो जबान बंद हो मैं हर चीज बंद हो
उसका बेशक। तो हम क्या है, हमारी कुछ नहीं, हर चीज में गफलत होती है शैतान की बेशक, मगर हुक्म में नहीं होती। एक अगर हम मजबूत पकड़ लिए हुक्म को, कामयाब है। गुलाम का दर्जा अव्वल है और हजरत बनना सौम लगा। अरे हाजी बनता, नमाजी बनता, पीर का गुलाम नहीं बनता। मैं जो पीर का गुलाम बने उसका मुकाम आगे है, बेशक सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शर्मात है मोड़नी बारने, शर्मात है टोपी पीने, शर्मात है हम कहा था फोन करे क्या में आ जा नहीं, ऐसा हमारा काम था उसका आना नहीं हुआ। सांस कैसा काम होता है, कहाँ डॉक्टर बताओ, भारी से भारी डॉक्टर के लेंगे बोल। सांस में तकलीफ होगी और हमेशा याद रखो हमारी सांस पीर की, पीर के हाथ में बटन दबाने का। पीर चाहे तो उसे वली बनाता, पीर चाहे तो गधा बनाता। किसे गिरदावर बनाया तो चौकीदार बनाया, किसे इंस्पेक्टर बनाया तो किसे मिनिस्टर बनाया, ये पीर की मर्जी की बात है। बेशक हम जो गलत नहीं देते, करो गलत नहीं करते हैं। शोक पैदा होना ये हर भाई को गले लगा देना, सब पीर जो है एक ही रास्ता बताता। बेशक कलमा एक ही पढ़ाता है। बेशक मसला जो है कोई चिश्तिया में, कोई खाजिया में, कोई सर वर्दों में, सब होता कि नहीं, मगर रास्ता तो अल्लाह का ही बताता। ये अपने बाप का कलमा नहीं पढ़ाता, कलमा सरकार का, शिकार अल्लाह का, वसीला रोशनी खादरिया वाले। अब उन्होंने वाले हैं जो है वो बंदा नवाजी है, अजमेर वाले में है, किच्चा वाले, उनके सरपरस को ना उसने वसीले में दाखिल करता हर आदमी। अब हम लोग हैं कलमा सरकार का, शिकार अल्लाह का, वसीला रोशनी का, एज करते ना बेशक हट जाते हूँ बाजू का बोलो तो मेरा देखा। 40 साल खिदमत करा हजरत, पहले जो है जमीन के पास टूरिस्ट ले जाने वाला मई हजरत के बोला में चार चार टूरिस्ट हैं हमारे मुरीदाने थे हुकुम के शामिल, हम दो भाई। अब ऐसा होगा हजरत जाते वक्त साल भर जाते बोले तो आप बोल दिए फिदा को, खलीफों का हक खलीफों को दे दिया, मुरीदों का हक मुरीदों का अदा कर दिया मैं, अभी तो मैं खाली संगोटे मेरे साथ कुछ नहीं है, सब दे गुजार हूँ, या अमल करो या मत करो। अब हमारी मर्जी नहीं है क्या करना, यहाँ कोई जमीन के तरह भाग रहा है, कोई मोटरा के तरह भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, पैसे के तरह भाग रहा है, हुकूमत के तरह भाग रहा है, अल्लाह के तरह भागने वाला कोई भी नहीं है। किसे वहाँ पे जमीन के पास दो जनों को बनाए हमारी, हाँ मुतवली बना, जमीन पूरी उसके नाम से रजिस्ट्री कर दी, फिर भी जो है उन्हें नहीं काम किया। बिल्कुल बोले अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, बताया छोड़े तो लड़ रहे, कारोबार ज्यादा होगा खाने का मेरे साथ, मेरे मैं कर दो वो कर दो मैं कर दो। ये मुतवली को बना को गए उन्होंने हजरत, उससे मानने को तैयार नहीं, ऐसा कमेटी। अरे बच्चे अरे वो बाम मिट्टी नीचे आ गया डो, अरे आवाज है साथ से बता रहे हैं। पीर का ये हुक्म हमारे लिए अच्छा। हजरत क्या बोले माता नसीहत के लिए, अरे मियाँ हिंदू जो है पत्थर बिठाते हैं कांका क्याने के लिए, काको बिठा को लाखों रुपए गुड़ी बनाते हैं, फिर उनको फायदा होता है क्या पूछे मैं। तो मैं बोले हजार उनको कच्चे कपड़ों से फिरते हैं, उड़ा उड़ा के सहसा बनाते हैं, मगर उनको फायदा होता बोल को फिरते हैं उन्होंने काम। तो उन्होंने कहा बोल रहे हैं तू जाको फिर, मैं फिर ऐसे नहीं होता फायदा मेरा, क्यों नहीं होता वो कि तेरा यकीन नहीं है वो पत्थर है बोलता तो मेरा तो फायदा नहीं होता है, पत्थर के पीछे बोलता। उन्होंने क्या बोल रहे हैं यहाँ हमारा भगवान है, है तो क्या यकीन देखो ना, जमीन में है जो मालूम नहीं, आसमान में है जो मालूम नहीं, उनके कोई किताबा गीता उता नहीं है जो मालूम नहीं उनको, मगर उन सबके चक्कर में नहीं जाते,
यहाँ अल्लाह है, हमारा भगवान है। हमारे जा बोलते हैं उलमा लोग बड़े, वो करना शिर्क, ये करना शिर्क, बाप बाचा बेटा खिलाफ, ये क्या था ये मजहब में जो सरकार है तो आलम की मोहब्बत से हटाने के लिए, मगर क़ियामत तक भी हटा तो पकौड़े जो है नहीं हटते, अल्लाह वाले अंदर वाले नहीं हटते, समझे नहीं, मस्जिद तोड़ेंगे दरगाह नहीं तोड़ते, समझे नहीं, हमको मालूम है हम हटते हैं, वो समझे नहीं, अल्लाह वाले जो रहबरी करना है क्या करें, काबा छोड़ दिए यहूदिया की फौज में, तेरा मकान तो हिफाजत कर ले, हमको हमारे में ताकत ही नहीं है, अल्लाह पाक बाबा ने बिल भेजा परिंदों को जो है कंकर सिर में पड़ा था नीचे तक निकला हाथियों के पास, ख्वाजा गरीबन नवाज 1,80,000 पंडितों को मुसलमान बने, ये जन्नत के दरवाजे से आप बोले हैं, या आप काशी की ज्यारत करो मैं हिंदू बन दो, या मैं काबे की ज्यारत करा तो मुसलमान बना, मामूली बात है, 1,80,000 पंडितों मुसलमान बन गए, हैदराबाद जा, वहाँ जूपार के पास रहते, उर्दू में दिख रहा है, उर्दू में गाड़ी वहाँ रखी क्या।